चैत्र मास के पहले नवरात्रि के अवसर पर भक्तजन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ के माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर लाखों भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ में कमी देखी जा रही है। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि मंदिर में लोगों की भीड़ ना लगे। इसी बीच माता मनसा देवी के मंदिर में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने परिवार के साथ मां के दर्शन किए और हवन यज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने सभी देशवासियों को नवरात्रि के पावन अवसर की बधाई दी। पत्रकारों के सामने बोलते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोविड के चलते इस बार श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट बनाए गए हैं, मंदिर में भंडारे बंद किए गए हैं और मंदिर परिसर में फॉगिंग भी करवाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के चलते मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए समय पाबंद रहेगा। बता दें कि मंदिर प्रबंधन की ओर से ई टोकन की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके लिए लोगों को पहले मंदिर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद उनके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को दिखाकर ही वे मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। वहीं मंदिर में जगह जगह सैनिटाइजर लगाए गए हैं और भक्तों के लिए मंदिर में मास्क पहनकर आना जरूरी है। बिना मास्क के किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, आज माता मनसा देवी के चरणों में प्रथम नवरात्र के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हिंदू नववर्ष भी है, इस अवसर पर भी मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महामारी से विनती करता हूं कि महामारी जो देश के ऊपर ये कोरोना का संकट आया है, इस कोरोना के संकट को जल्दी निवारण करें और कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि देश प्रगति की राह के ऊपर आगे बढ़ सके। गुप्ता जी, नवरात्र की यहाँ से शुरुआत हो गई है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में श्रद्धालु हमेशा से ही आते रहे, तो जो गाइडलाइंस हैं कोरोना से बचाव की, उनको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पा रही है। नहीं, देखिए, श्राइन बोर्ड की द्वारा प्रयास किया गया है कि कम से कम जो अपनी गाइडलाइंस हैं उन सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाए, और उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की है। आवरली जो है वो हमने हर घंटे के स्लॉट्स तय किए हैं ताकि उसी स्लॉट के अंदर श्रद्धालु आएं और यहाँ पर माँ के दर्शन कर सकें। देखिए, इस माता मनसा देवी जो सिद्ध पीठ है, इसके प्रति लोगों की श्रद्धा वो केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के सभी प्रदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और इस अवसर पर श्राइन बोर्ड की तरफ से हमने विशेष इंतजाम भी किए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हैं। अब की बार पहली बार शायद भंडारा जो है वो आज यहाँ पर नहीं हो रहा, भंडारे सब बंद किए हैं, प्रसाद का जो वितरण है वो बंद किया है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए निरंतर फॉगिंग की जा रही है, यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो कोरोना है इससे दूर रहा जाए। हाँ, देखिए, आज क्योंकि पहले समय जो हमने यहाँ पर तय किया था वो रात को 10 बजे तक था, लेकिन आज क्योंकि प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा है, उस दृष्टि से हमने जो यहाँ पर दर्शन हैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रिस्ट्रिक्ट किए हैं। और मैंने तो ये भी कहा है कि आधा घंटा पहले ही यहाँ पर अगर हम रिस्ट्रिक्शन करेंगे, 8:30 बजे ही दर्शन करेंगे, तब 9 बजे तक श्रद्धालु अपने अपने घरों को वापस जा सकेंगे।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।